हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू स्टडी खजाना। अरे सर, पहली पहली क्लास है, हमें तो लगा कोई बूढ़ा बूढ़ा करता हुआ आएगा और हमारे को पढ़ाएगा। कोई बात नहीं यार, वो मोदी सरकार कहती नहीं है, जिस देश में 65% से ज़्यादा आबादी नौजवानों के, तो नौजवानों को मौका मिल रहा है, कोई बात नहीं। अच्छा चलो, आज चलते हैं, आज की पहली क्लास है। इस पहली क्लास को मैं कहना प्रेफर करता हूँ फोर्थ अंपायर क्लास। सर फोर्थ अंपायर क्लास ये क्या होती है? अच्छा, क्रिकेट मैच देखते हो? क्रिकेट मैच तो सभी देखते हैं, क्योंकि भारत देश में क्रिकेट इज नॉट जस्ट अ स्पोर्ट्स, इट्स अ रिलीजन, है ना? तो क्या होता है उस क्रिकेट मैच के अंदर? उस क्रिकेट मैच के अंदर आपको बताया जाता है, उस पूरी की पूरी कमेंट्री के अंदर आपको बताया जाता है कि कौन सा प्लेयर फॉर्म में है, कौन सी चीज कहां से करनी है, कौन सी बॉल स्विंग होगी, आउटफील्ड कैसी है, सारी चीजें आपको बताई जाती हैं। ऐसा ही कुछ यहां पे करेंगे। आगे चलने से पहले सबसे पहले पता होना चाहिए कि मैदान कैसा है, आपका सिलेबस क्या है। आगे चलने से पहले ये पता होना चाहिए कि कौन सा प्लेयर फॉर्म में है, कौन सा चैप्टर कितनी वेटेज का आने वाला है, टीम को कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, बैट्समैन कौन से हैं, बॉलर कौन से हैं, पार्ट ए कौन सा है, कॉर्पोरेट लॉस कौन सा है, पार्ट बी अदर लॉस कौन सा है, बैट्समैन कितना परफॉर्म कर सकता है, पार्ट ए कितने नंबर का आएगा, बॉलर विकेट ले पाएगा या सिर्फ रन बचाएगा, अदर लॉस कितने नंबर का आएगा, पूरी कहानी कितने की है, पूरा पेपर कितने नंबर का आएगा, कितने क्वेश्चंस आने एक्सपेक्टेड हैं, कौन सा चैप्टर कितनी वेटेज वाला है, सारी बातें आज करेंगे। इसलिए ये पहली क्लास रखी जाती है, जब हम सारे बच्चे छोड़ देते हैं, कहते हैं छोड़ो ना यार, आगे चलते हैं। इन सब बातों पे आने से पहले एक चीज और दिमाग में आई, जो मतलब जब मैं आपकी तरह स्टूडेंट था तब भी आती थी। वो क्या बात थी कि सर स्टूडेंट क्या चाहता है? स्टूडेंट तो बस इतना सही चाहता है, टीचर सिर्फ इतना सा पढ़ा दे, 4G की स्पीड पर पढ़ा दे, दो पन्ने और उस दो पन्ने में से पेपर आ जाए। बट बच्चों, 3 डेट्स देखिए, 3 डेट्स, हाँ आमिर खान वाली, हाँ, ऑल इज वेल, वही। तो उसमें क्या होता था, आज आप 3 साल रट्टा मार के, 3 साल वो क्वेश्चंस करके हो सकता है सब पार कर लो, बट यू पीपल आर गोइंग टू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। चार्टर्ड अकाउंटेंट की पॉपुलैरिटी हमारे देश में ताजमहल से कम नहीं है, अपने किसी पड़ोस में देख लेना, पता चल जाएगा। जो आप CA इंटर में आ गए, जहां पर रिजल्ट सिर्फ 5% है, तो लक की गुंजाइश छोड़ना और मेहनत पर जोर लगाना। रतन टाटा, सुने रतन टाटा? हाँ, टाटा की गाड़ियां, पैंटालूंस के कपड़े सब। उसने कहा, आई नीड MBA फाइनेंस टू रन माई बिजनेस, बट वेयर एज आई नीड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स टू टीच देम हाउ टू रन बिजनेस। राहुल द्रविड़, और द वॉल जिसे कहा जाता है, जिसे कोई आसानी से आउट नहीं कर पाता, उसने कहा कि यार वन डे आई डिसाइडेड कि मैं अपने इस करियर को छोड़ के, क्रिकेट में उसका कुछ बन नहीं रहा था, उसने कहा इसको छोड़ देता हूं, एक काम करता हूं, CA करने के लिए चलता हूं। CA करने के लिए आया, पहली बुक खोली, 2 पेजेस ही पढ़े, वापस उसको बंद किया और कहता है यार मैं क्रिकेट में डबल मेहनत कर लूंगा, वो मेरे लिए आसान है। तो यू पीपल कैन इजीली फिगर आउट कि क्या आप कहां पहुंच गए हैं आप। कांग्रेचुलेशंस कि आप लोगों ने CPD पार कर लिया, अरे वाह। और कांग्रेचुलेशंस कि आप लोग अब इंटर में आ चुके हो, कांग्रेचुलेशंस अगेन। कितनी बारी बोलोगे कांग्रेचुलेशंस? क्योंकि जो अब आपका लॉ का सिलेबस है वो IPC से कंपेरेटिवली सिर्फ 50% है, सिर्फ 50%। और ईमानदारी से काम करना मेरे साथ, थोड़ी सी मेहनत करेंगे, हर एक चीज़ मैं आपके साथ करूंगा, रिविजन से लेके पेपर के टाइम तक हर दिन बैठेंगे, पर बस थोड़ी सी मेहनत करनी है, वीडियो प्रॉपरली देखनी है बस, और कुछ नहीं करना। अब आगे चलते हैं। ठीक है सर, आप कौन हो? अरे यहाँ पे मेरा काम ये बताना नहीं है मैं कौन हूँ, ये भी बताऊंगा, कोई बात नहीं, ऐसे कोई मतलब बैरूपिया से नहीं पढ़ रहा। आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट माई सेल्फ एज वेल। अब सबसे पहली तो कहाँ से पढ़ाओगे ये बताओ। अब बेटा लॉ कोई घर में तो बनाता नहीं है राजमा चावल की तरह, लॉ ये तो है नहीं तड़का लगाओ हर कोई अपने घर में दाल मखनी बना लेगा, लॉ कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाती है, है ना? तो मैं आपको बेयर एक्ट से पढ़ाऊंगा सर, पर इंस्टीट्यूट ने एक हमारे को बुक दी है, कॉरपोरेट लॉ अलग और अदर लॉज अलग दी है। अब उसका क्या करेंगे? उसी बुक में से पढ़ाऊंगा, वर्ड बाय वर्ड वहीं से चलोगे, एक एक वर्ड हम वहीं से चलेंगे। और अगर अच्छा देखो, गीता कितने लोगों ने पढ़ी है? गीता किसी लड़की का नाम नहीं है, गीता कितने बच्चों ने पढ़ी है? और कोई बंदा आके आपको 2 श्लोक सुना देता है तो आप सोचते हो यार बहुत बड़ा विद्वान आदमी है, आपके लिए वो गीता ही है, जो आपकी मतलब मॉड्यूल दिया गया आपको वो गीता ही है। अब वो पूरी की पूरी गीता मैं आपको पढ़ा दूंगा, तो बताओ क्या कोई एक भी चांस है जिसके अंदर रह जाओगे? मोदी सरकार याद आ रही है ऐसे करके, कोई बात नहीं। अब देखो, अब सबसे पहली बात, आप क्या पढ़ने जा रहे हो मेरे साथ? लॉ पढ़ने जा रहे हो। चलो, लॉ पढ़ने जा रहे हो आप मेरे साथ, है ना? क्या होता है लॉ?
क्यों बनाया गया? सरकार खाली बैठी थी, लॉ बना दिया। आज तक लॉ के बारे में आप लोग सिर्फ एक ही चीज जानते हो क्या, कि सावधान इंडिया देखा होगा या क्राइम पेट्रोल देखा होगा, वहां पर पता चल जाता होगा कि मर्डर, डकैती, किडनैपिंग, इन सब के ऊपर वो सजा हो जाती है ना। या उससे ज्यादा क्या पता होगा कि आप ट्रैफिक लाइट जंप कर दोगे, या मतलब जितने भी हमारे यहाँ पे बच्चे बैठे हैं छोटे छोटे से, जो मतलब बिना हेलमेट डाले बिना सीट बेल्ट लगाए ड्राइव कर लेते हैं, तो उन सबको ये पता है कि अगर कोई पकड़ लेगा तो चालान हो जाएगा, ये लॉ में लिखा होगा। इससे ज्यादा नहीं पता हमें लॉ के बारे में, कुछ नहीं पता ना। तो लॉ क्यों बनाया गया? चलो सावधान इंडिया की भाषा में थोड़ी सी बात करते हैं कि लॉ क्यों बनाया गया। बच्चों, लॉ इसीलिए बनाया गया ताकि आप लोग सेफ रहें। सेफ रहें कैसे? सबसे पहली बात, अगर लॉ बनाया गया तो क्यों बनाया गया? ताकि आप सेफ रहो। कैसे? अगर लॉ नहीं होता तो कोई भी किसी का भी मर्डर कर देगा और क्या होगा, कोई सजा नहीं होगी। कोई भी किसी को भी किडनैप करके फिरौती मांग लेगा, कुछ नहीं होगा। अच्छा, हमारी सेफ्टी के लिए बनाया गया, तो ये ट्रैफिक रूल्स किस लिए हैं? अब देखो, नायक पिक्चर देखी है? कितनी पिक्चरें देखते हो जरा। अरे यार, अच्छा आगे तो सुनो, नायक पिक्चर देखी है? उसमें क्या हुआ था, वो 2 किलोमीटर लंबा जाम लग जाता है। अगर सड़क पे ट्रैफिक लाइट नहीं है तो आप लोगों के लिए बहुत लंबा लंबा जाम लग जाएगा, उसमें क्या करोगे, फंस जाओगे। तो मतलब आपकी कन्वीनियंस के लिए बनाया गया। सब लोग अगर रेड लाइट पे ऐसे जंप करके आ जाएंगे तो वहां पे क्योस मच जाएगा, पूरा भीड़ भड़क्का हो जाएगा, कोई नहीं चल पाएगा आगे। सो फिर क्या होगा? अरे सर, गड़बड़ हो जाएगी कहीं ना कहीं, है ना। तो मतलब आपकी कन्वीनियंस के लिए और आपकी सेफ्टी के लिए ही ये लॉ बनाया गया। अब हम यहां पे क्या पढ़ने वाले हैं, यहां पे आप मेरे साथ पढ़ने वाले हो कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर लॉ। ये आप मेरे साथ यहां पे पढ़ने वाले हो। ये कॉर्पोरेट लॉ क्या होता है? अब कॉर्पोरेट लॉ, कंपनी, अभी तक सिर्फ और सिर्फ कंपनी आपके लिए एक वर्ड है, आगे चल के एक एक बात डिटेल में पढ़ेंगे। कंपनी क्या होती है सर? कंपनी चलती कैसे है, बनती कैसे है? कंपनी वो होती है जिसके अंदर आपको कंपनीज एक्ट के बारे में सब पढ़ाया जाएगा, कंपनीज एक्ट 2013। और यहां पे कुछ अदर लॉज में आपको पढ़ाऊंगा, अदर लॉज कैसे, जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अरे सर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये हम पढ़ के आया वहां पे। कहां पे पढ़ के आए हो? सीपीटी में। अच्छा, वही पढ़ना है। ऐसा भ्रम मत रखना कि वही पढ़ना है। आईपीसी के अंदर होता था कि वही चीज आपको दोबारा पढ़ाई जाती थी, बट हेयर आपको वो पोर्शन जो आप पढ़ के आए हो, ऑफर एक्सेप्टेंस, लड़का लड़की के पास जाता है, ऑफर देता है। अरे अच्छा ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, मैंने नहीं देखा, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अगला आपको मेरे साथ पढ़ना है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, यानी कि जो भी ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन सब के बारे में बात करेंगे, कि जो भी जस्ट चेक पे, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडीज, इन सब के बारे में बात करेंगे यहां पे। अगली बात, एक और एक्ट है जो आपको मेरे साथ यहां पे पढ़ना है, जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897, ये भी पढ़ना है, जी हाँ। और एक आखिरी, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। अब ये क्या होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स? किसी भी लॉ को समझने के लिए, अब देखो छोटी सी बात है, आप लोग इतना ही नहीं समझ पाते कि वो क्या कहना चाहती है, नहीं मेरा मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब ये नहीं था, उसने 100 बारी कहा तुम मुझे समझते नहीं हो, कम वक्त हमने भी ब्रेकअप कर लिया, अब क्या करें, नहीं समझते तो नहीं समझते। अब देखो ये छोटी सी बात है, ये दोनों एक्ट्स आपको इसलिए पढ़ाए जाते हैं ताकि आप लॉ की इंटेंशन को, लॉ की बातों को बहुत अच्छे से समझ पाए, ताकि आपको जितनी बातें लॉ के अंदर हैं, जो लॉ का मतलब है, जो वो समझाना चाहता है, आप उसको समझ पाओ। ऐसा नहीं हो कि वो बेचारा कहना कुछ चाहता है और आप लेके कुछ चल रहे हो उसे, उसने कुछ, उसके कहने का मतलब कुछ और है, आपके समझने का मतलब कुछ और है, तो बच्चों सिर्फ लड़ाई होगी और कुछ नहीं होएगा, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं, कंपनीज एक्ट के अंदर क्या पूरा कंपनीज एक्ट में आपको पढ़ा दूंगा? नहीं, कुछ पोर्शन पढ़ाऊंगा। कंपनीज एक्ट पूरा पढ़ाने से पहले थोड़ी सी बात और नोट कर लेते हैं सर, एक बात है, क्या बताएं आपको, आपने ये स्टैट्यूट्स लिखा ना आखिरी में, ये थोड़ा थोड़ा दिख नहीं रहा है। अच्छा, ये दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, जैसे यहाँ तो पता चल रहा है कि थोड़ा थोड़ा स्टैट्यूट्स नहीं दिख रहा है, ऐसे ही आगे चल के मुझे सब पता चलता रहेगा। तो कृपया जो भी डाउट्स आ रहे होंगे मन में, मैं वो सारी कोशिश करूंगा कि पहले ही हटा दूं, स्टिल अगर नहीं बचेंगे तो आपके पास डाउट फोरम है, डाउट पूछते हुए कभी भी घबराना नहीं है बच्चों, बिल्कुल नहीं घबराना। चलो अभी आगे बात करते हैं, इस बारे में और बात करेंगे। अब
एक आपने बात करी लॉ की, तो अच्छा दो सवाल मन में आए थे कि सर जो लॉ है, जो ये लॉ है जिसकी हम बात करते हैं, क्राइम पेट्रोल सावधान इंडिया में देखते हैं, ये बनता कैसे। चलो जीएसटी ही की ही बात कर लेते हैं। जीएसटी में हाल ही में आया या कंपनीज एक्ट 2013, ये आया, ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। अब सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी एक बिल बनता है, एक बिल बनाया जाता है जो कि एक ड्राफ्ट होता है। वो क्या होता है, एक ड्राफ्ट होता है, यानी कि पक्का नहीं है, सिर्फ एक ड्राफ्ट है। वो एक ड्राफ्ट बनाया जाता है, उसके बाद इसे आगे भेजा जाता है। ठीक जैसे आप अपने स्कूल में लीव के लिए एप्लीकेशन बनाते थे, उसे अप्रूव करवाने के लिए आगे भेजा जाता है। अब आगे सबसे पहले इस बिल को, ड्राफ्ट को भेजा जाता है लोकसभा। क्यों? क्योंकि ये लोअर हाउस है। उसके बाद इस बिल को आगे आप भेजते हैं राज्यसभा में। ठीक है, कहां भेजते हो? राज्यसभा में। और उसके बाद आखिरी में आपको दिया जाता है प्रेसिडेंट का अप्रूवल, प्रेसिडेंट का अप्रूवल। प्रेसिडेंट जी अपने साइन करते हैं, मोहर लगाते हैं और कहते हैं ठीक है। और उसके बाद आखिरी में यह होता है नोटिफाई इन ऑफिशियल गेजेट। नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गेजेट में ये लाया जाता है। अब कंपनीज एक्ट 2013 जो आपको मेरे साथ पढ़ना है, कंपनीज एक्ट 2013, उसका भी यही सब हुआ। वो भाई साहब को पास करा गया लोकसभा में ऑन 18 दिसंबर 2012, कब पास किया गया? 18 दिसंबर 2012। राज्यसभा में पास हुए, कब पास हुए? जैसे आपका फाउंडेशन था, इंटर था, है ना, और उसके बाद फाइनल भी आएगा, ऐसे ही इसके फाउंडेशन पास कब किया? 18 दिसंबर 2012 में। और उसके बाद इसने क्या पास किया? अगला इंटर यानी कि राज्यसभा में, वो कब पास किया? सर 8 मई 2013। प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिला 29 अगस्त 2013 को। नोटिफाई हुआ ठीक अगले दिन 30 अगस्त 2013 में। बच्चों जितने भी एक्ट्स आएंगे वो सब का प्रोसेस एक ही होगा। जितने भी एक्ट्स आपने आज तक पढ़े हैं या आगे पढ़ोगे, सब ऐसे ही बनते हैं। कोई भी एक्ट अलग तरीके से नहीं बनता, अपनी मनमानी नहीं चलती, जो प्रोसेस फॉलो हुआ है वही होगा। हाल ही में आपने सुना होगा कंपनी सेकेंड अमेंडमेंट बिल हैज बीन पास्ड बाय राज्यसभा 19 दिसंबर 2017, है ना। अब क्या होगा? प्रेसिडेंट अप्रूवल देगा, फिर वो आगे नोटिफाई होगा। अब ये तो समझ में आ गया। अब कंपनीज एक्ट 2013 जो है, ये क्या करता है? ये रेगुलेट करता है कंपनीज को। इट रेगुलेट्स कंपनीज, बहुत सारे काम करता है। सर वो तो ठीक है, समझ में आया कि कंपनी को रेगुलेट करता है, बट एक बात बताओ, अब 2013 में एक एक्ट आया जो कंपनीज को रेगुलेट करता है, क्या उससे पहले कोई एक्ट था ही नहीं जो कंपनी को रेगुलेट करता था? क्या उससे पहले कोई एक्ट था ही नहीं? हमने इतनी बार सुना है, क्या सुना है, 95 साल पुरानी कंपनी। वो एमडीएच में जो बाबा आते हैं, कितने साल पुरानी कंपनी है यार। कंपनीज एक्ट तो अब आया है, अब हम क्या करें? क्या वो इतनी पुरानी कंपनी है तो उस टाइम पे क्या था? चलो आओ, कोई बात नहीं, उस बारे में भी बात कर लेते हैं। इतनी पुरानी कंपनी है तो सर कंपनीज एक्ट 2013, इससे पहले था कंपनीज एक्ट 1956, और पीछे चलो कंपनीज एक्ट 1913, और पीछे चलो कंपनीज एक्ट 1882, और पीछे चलो कंपनीज एक्ट 1866। अब और क्या करोगे पीछे जाके? पिछले जन्म में पहुंच गए यार, पुनर्जन्म हो गया, दोबारा कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हो। चलो अब आगे चलते हैं। अब हमें मेन देखना है ये और ये। ये एक्ट से आप ये वाले एक्ट पे आ गए, ये एक्ट से ये वाले एक्ट पे आ गए। क्यों? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट खाली बैठी थी, उसको लगा था कोई काम नहीं है तो एक काम करो, नया एक्ट लेकर आ जाओ? नहीं। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता था यार कोई काम नहीं है, एक काम करो, नया कंपनी जाके लेके आ जाओ, बेचारे बच्चे सीए बनने वाले हैं, इनके लिए और काम बढ़ाओ? ठीक है,
अब क्या ऐसा हुआ? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं था। एक बात, अच्छा ठीक है, कार्स देखी है हमने सड़कों पे, बहुत बच्चों के घर में भी है। तो क्या होता है अब कि वो जो कार है, आप आज के जमाने की होंडा सिटी को आपके पास पुराने जमाने की 1998 मॉडल, अच्छा सर वो कहाँ चलेगा, 2000 मॉडल की आपके पास एक गाड़ी है, अब तो वो भी नहीं चलेगी, 2000 मॉडल की आपके पास क्या है, एक मारुति 800 है। क्या है? मारुति 800। अब आपने क्या किया, आपने उसको आज के जमाने की गाड़ी के साथ कंपीट करना है, कंपीट करना है ना। अब क्या होगा कि अब आपको उस गाड़ी के साथ कंपीट करना है, अब आप धीरे धीरे छोटे 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 चेंजेस लाने शुरू करोगे। क्या करोगे? आपने पावर विंडो लगवा दिए, चेंज आया लॉ के अंदर, आपने क्या किया, पावर विंडो लगवा दी, ऐसे ही चेंज लाए आप। इस चेंज को नोट कर लो यहां पे कि मैंने यहां पे आपसे एक चेंज की बात करी है। कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा, मैं जानता हूं नहीं दिख रहा, चलो कोई बात नहीं सर, दिल की पुकार पहुंच रही है आप तक। देखो चेंज आया, इस चेंज को जब आपने क्या किया, उस मारुति 800 के अंदर कोई चेंज लाया सो दैट कि वो कंपीट कर पाए। जब जब लॉ के अंदर बच्चों चेंज आता है, इसे मैं कहता हूं अमेंडमेंट। एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है ट्रैफिक रूल्स को लेकर कि आपके जो चालान है उसको बढ़ा दिया गया है, 100 रुपए से बढ़कर आपका चालान 1000 रुपए हो गया है, ड्रंक एंड ड्राइव का केस होगा तो 1,00,000 रुपए का चालान है। तो वो क्या है? चेंज इन लॉ। व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन लॉ, वी कॉल दैट एज एन अमेंडमेंट, हम उसको एक अमेंडमेंट कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब देखो चले आगे। अब ये कंपनीज एक्ट 2013 नया एक्ट, ये एक्ट आपका ऑब्सोलीट हो चुका था, इसलिए ये नया एक्ट लाया गया। अब ये नया लाया गया, क्या क्या अमेंडमेंट, क्या क्या चेंजेस है, बहुत सारी थी जो मतलब चेंज था उस एक्ट के अंदर अवेलेबल नहीं था, बट इस एक्ट के अंदर आया। क्या? जैसे कि 1% कंपनी, 1% कंपनी, ये भी हम पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया कंसेप्ट। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे आप लोग दान दक्षिणा करते हो ना वैसा ही है ये भी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR सेक्शन नंबर 135, OPC सेक्शन नंबर 7, स्मॉल कंपनी अगेन वन ऑफ द न्यू कंसेप्ट्स। उसके बाद वुमेन डायरेक्टर, नारी शक्ति, वुमेन एम्पावरमेंट को ध्यान में रखते हुए सेक्शन नंबर 149 लेकर आया कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, जो आपको नहीं पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है बताऊंगा अभी। वुमेन डायरेक्टर, उसके बाद रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स, ये आपको मेरे साथ पढ़ना है, रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स ये लाया गया, एक डॉर्मेंट कंपनी का एक कंसेप्ट लाया गया, फास्ट ट्रैक मर्जर ये कंसेप्ट लाया गया, ऐसे न जाने कितने ही कंसेप्ट नए लाए गए। मारुति 800 से जब आप नई होंडा सिटी पे आए तो न जाने कितनी चीजें नहीं थी, एयरबैग्स आ गए, ABS आ गया उसके अंदर, पावर विंडो आ गया, पावर स्टीयरिंग आ गया, स्टीयरिंग अब एडजस्ट भी हो सकता है ना, बहुत सारी चीजें आ गई, एडजस्टेबल सीट्स आ गई, वो तो बेचारे कुर्सी रख के चलाते थे लोग तो पुराने जमाने में, मारुति 800। चले आगे, क्या समझ में आया? चले आगे, ऐसे बहुत सारे चेंजेस आए। अब इस कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में थोड़ा सा जान लो। इस कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर बच्चों आपके पास 29 चैप्टर्स हैं टोटल में। सर सारे पढ़ने हैं? नहीं सारे नहीं पढ़ने, सारे नहीं पढ़ने, बताऊंगा कौन से पढ़ने। 470 सेक्शंस हैं, कितने चैप्टर्स हैं? 29। तो 29 के 29 पढ़ा देंगे क्या? नहीं नहीं 10 ही पढ़ाएंगे शुरू के, बस कौन कौन से 10 बताता हूं। और 470 सेक्शंस, 470, ठीक है 470। अब आगे चलते हैं, नोट कर लिया, चले आगे, चलो अब आगे चलते हैं। इस 470 सेक्शंस के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, आपका सिलेबस है, CA इंटर। अब आते हैं हम कॉर्पोरेट लॉस पे, जिसके अंदर आपको पढ़ाया जाएगा कंपनीज एक्ट 2013, जिसके अंदर हम लोग आपके साथ, आप और मैं इकट्ठे पढ़ेंगे। मतलब सबसे पहला चैप्टर, चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम होगा प्रिलिमिनरी, जिसके अंदर आप सेक्शन 1 से लेके सेक्शन नंबर 2 तक पढ़ेंगे, बस एक इंट्रोडक्शन कंपनीज एक्ट का, और कुछ भी नहीं, कंपनीज एक्ट का एक इंट्रोडक्शन और कुछ भी नहीं होगा इसके अलावा। अब आगे चलते हैं, इसके अलावा दूसरे चैप्टर में आप मेरे साथ पढ़ेंगे सर इनकॉर्पोरेशन,
इनकॉर्पोरेशन जो कि आपका स्टार्ट होगा। अच्छा, काउंटिंग आती है, टू के बाद क्या आता है? सेक्शन नंबर थ्री। अरे बहुत बढ़िया, सेक्शन नंबर थ्री से लेकर सेक्शन नंबर 22 तक आप मेरे साथ यहां पे पढ़ेंगे, ठीक है। प्रॉस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट, ये प्रॉस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट क्या होता है? शादी का कार्ड देखा है? शादी का कार्ड ठीक वैसा ही होता है, दिखाऊंगा सब प्रूफ कराऊंगा, टेंशन मत लो। सेक्शन नंबर 23 से 42। चौथा, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। फोर्टी टू के बाद क्या आता है? 43 से जाता है ये 72 तक। पांचवा चैप्टर, डिपॉजिट्स। वन ऑफ द मेजर एस्पेक्ट्स जिसको अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बहुत ज्यादा कंसिडर कर रहे हैं, आपके पेपर में लिए ये सिर्फ और सिर्फ मुश्किल से 2 नंबर का होगा, पर प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिपॉजिट शुरू होता है सेक्शन नंबर 72 के बाद, 73 से 76 ए तक जाता है, ठीक है। सेक्स, ये शुरू होता है चार्जेस से। चार्जेस बिल्कुल वही पुराने जमाने की पिक्चरों वाली कहानी, जिसमें वो क्या करता था, लड़की का बाप बेचारा हमेशा गरीब होता था, लड़की की शादी करने के लिए खेत अपना गिरवी रख देता है, खेत गिरवी रख देता है किसी साहूकार के पास, बस वो गिरवी रखने की जो कहानी है, आगे मत जाना। हाँ सर, हीरो पीटता, हाँ, वो जो खेत गिरवी रख देता है ना, बस इसी टाइप से एक मॉर्गेज होता है, उसी तरीके से चार्ज होता है। बताऊंगा कंपनी के पार्ट पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको क्या चेक करना है। चार्जेस आपके शुरू होते हैं सेक्शन नंबर 77 से 87 तक। चैप्टर नंबर 7 है आपका मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, स्कूल कितने बच्चे गए? अरे स्कूल तो सभी गए। अच्छा, स्कूल गए, स्कूल चले हम तो वहां पे एक होती थी पेरेंट टीचर मीटिंग, ठीक उसी की तरह यह चैप्टर चलेगा। आप बैठे हो, आपके पेरेंट्स आपके बारे में पूछने के लिए आपके टीचर से आए हैं, वो 24 घंटे की बात कहती थी कि बेटा ये सारी पढ़ता नहीं है, ये ध्यान नहीं देता पढ़ाई पे बिल्कुल भी, पता नहीं कहाँ ध्यान है इसका, हम क्लास में देखते रहते हैं, क्लास में तो पढ़ता है पर पता नहीं नंबर क्यों नहीं आते हैं। फिर आपकी मम्मी अलग से कहानी, नहीं घर पर तो बहुत पढ़ता है, ट्यूशन भी जाता है, वो सारी कहानी यहीं पर बात करेंगे। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन आपका शुरू होता है सेक्शन नंबर 88 से और जाता है 122 तक। उसके बाद आती है डिविडेंड की बात। अब जितने भी लोग कंपनी में पैसा लगाते हैं, बताओ सबको पैसा रिटर्न तो चाहिए। जैसे आपने कहीं पर लोन पे पैसे दिए और उस पर से आपको इंटरेस्ट की रिटर्न आती है, शेयर्स के ऊपर जो रिटर्न आती है उसे मैं डिविडेंड कहता हूं। मैं क्या, कंपनीज एक्ट डिविडेंड कहता है, ठीक है। सेक्शन नंबर 123 से 127, ठीक है, चले आगे बच्चों। अब दो चैप्टर बचे, चैप्टर नंबर 9 यानी कि अकाउंट्स। देखो यहां पे आप मेरे साथ तो अकाउंट्स पढ़ोगे, ये साथ ही साथ आपकी ऑडिटिंग में भी काम आएगा, साथ ही साथ आपके अकाउंट्स में भी काम आएगा। क्या बात करो, हाँ ये जो पहले कंसेप्ट है ना, चैप्टर 9 और चैप्टर 10, ये पहले आईपीसी के अंदर नहीं था, पर बाद में हमारे इंस्टीट्यूट को लगा कि यार एक काम करते हैं, ये बच्चों को जरूरत पड़ती है इस चैप्टर की, वंस यू आर देयर इनटू योर इंटर्नशिप ना, जब आपकी ट्रेनिंग शुरू होती है तो आपको जरूरत पड़ती है, तो उन्होंने क्या किया, ये दो चैप्टर्स को ऐड कर दिया यहाँ पे। पहले आपकी कहानी सिर्फ यहीं तक जाती थी, डिविडेंड भी नहीं था, यहीं तक जाती थी आपकी कहानी आईपीसी में। सर आपने शुरुआत में कहा था 50% कम कर दिया, ये तो बढ़ा दिया। नहीं नहीं, आगे देखना ना कितना कम किया है, ये तो कुछ भी नहीं है, चार क्लास के अंदर चार चैप्टर खत्म, ठीक है। अकाउंट्स, ये जाता है आपका 128 से 138, और चैप्टर नंबर 10 जो है आपका ऑडिट, ये जाता है चैप्टर नंबर 139 से 148 तक, ठीक है। चलें आगे, अब आगे चलते हैं। ये पूरी कहानी है जिसमें से मैंने आपको बताया कि ये तीनों चीजें पहले नहीं थी बट अब है, ठीक है। अब इसमें से वो कौन सी चीज है जहां पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, जहां से पेपर एक्सपेक्टेड है, आएगा ही आएगा, श्योर शॉट आएगा ही आएगा। देखो ध्यान से देख लो, अभी बता देता हूं 100% 5 नंबर लेके जाएगा ये, कम से कम तीनों मिला के कम से कम 20 नंबर, कम से कम 10 नंबर तक। और ये जो सारे नए हैं इन सबको भी आप 20 मार्क्स दे सकते हो, क्योंकि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का मेन एरिया है ये भी 20 मार्क्स एक्सपेक्टेड है और ये 10 मार्क्स का एक्सपेक्टेड है। सर
कॉर्पोरेट लॉज 50 नंबर का। हाँ बच्चों, ये आपके पेपर में 60 मार्क्स का आएगा, बस 60 में से 50 मैंने आपको बता दिया, बाकी 10 छोटे मोटे चिल्लड़ की तरह बांट देना बस। ठीक है, अब चलते हैं अगले अदर लॉस के ऊपर। किस पे आ गए हम? अदर लॉस पे। अदर लॉस, इस अदर लॉस के अंदर हम बात करेंगे चार चैप्टर्स के बारे में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये तो आप पढ़ के आए हो, क्या वो चीजें दोबारा पढ़ाई जाएंगी? नहीं, आप जो वहां पे पढ़ के आए हो सर, आप वहां पे पढ़ के आए हो सेक्शन नंबर 1 से लेके 122 तक, वो नहीं पढ़ाया जाएगा। ये जो आप फाउंडेशन में पढ़ के आए हो, जो बच्चे मेरे साथ पढ़ के आए हैं उनको पता है कि आप यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, बट स्टिल कोई बात नहीं, जो बच्चे और कहीं से पढ़ के आए हैं उनको यहाँ पे बता देते हैं कि अब आप शुरू करने वाले हैं सेक्शन नंबर 123 से। यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा बेलमेंट। अब सर ये बेलमेंट क्या होता है? बहुत ही सिंपल कंसेप्ट, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट। मैं यहाँ पे आ रहा था, ठीक है, मेरे पास शर्ट थी बट ये ऊपर पहनने के लिए ये जैकेट नहीं थी। मैंने अपने दोस्त को बोला यार एक मेरे को यार अपनी जैकेट दे दे, मेरे को क्लास देने के लिए जाना है, तो उसने दे दी, मैं ये लेकर आ गया। अब मैं ये जाऊंगा वापस जाके उसको दे दूंगा, जब मेरा पर्पस खत्म हो जाएगा, याद रखना जब मेरा पर्पस खत्म हो जाएगा मैं उसको वापस कर दूंगा। तो इसका मतलब क्या है? जब आपने पर्पस खत्म होने के बाद चीज वापस कर दी, दैट इज व्हाट यू कॉल एज बेलमेंट। दैट्स इट। कपड़े ड्राई क्लीन पे देकर आना, पॉलिश पे मोची को जूते देकर आना, सब कुछ एक बेलमेंट का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, अगली बात, बेलमेंट के बाद अगले पे चलते हैं। इसमें आपको पढ़ाया जाएगा प्लेज, प्लेज हाइपोथेकेशन मॉर्गेज, जैसे वे होता है उसी तरीके से यहां पे बाकी बात करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ हम यहां पे पढ़ेंगे एजेंसी। वो कहता है ना यार ये तो LIC का एजेंट है, अरे यार वो सिलेंडर वाले की एजेंसी है, वहां पर जाके सिलेंडर बुक करो। तो ये सारी कहानी होती है, ये सारी यहां पर बात करेंगे। अब अगली बात, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट्स, नेगोशिएबल का मतलब यहां पर है ट्रांसफरेबल। ये पूरा का पूरा एक्ट आपको पढ़ाया जाएगा, और ये दोनों चीजें पहले IPC में भी हुआ करती थी। ठीक है, अब आगे की सारी डिलीट कर दी गई, मना मना करते भी, नाना करते भी, 10 एक्ट और थे जब आपको नहीं पढ़ने, 10 एक्ट्स और थे जो आपको अब नहीं पढ़ने, याद रखना। हाँ, सिर्फ दो ही एक्ट्स और पढ़ने हैं जो मैंने आपको अभी पहले भी लिखवाया, जनरल क्लॉजेस एक्ट, जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897, और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। ये एक्ट्स बच्चों बहुत जरूरी हैं किसी भी लॉ को समझने के लिए, चाहे वो आपका इनकम टैक्स एक्ट है, चाहे आपका GST है, चाहे कुछ भी है। अगर आपको लॉ को, लॉ की प्रॉपर इंटेंशन को समझना है तो आपको ये एक्ट्स पढ़ने बहुत जरूरी है। ठीक है, अब सिर्फ 2 मिनट और उसके बाद आज की क्लास को खत्म करते हैं। ठीक है, देखो कभी भी आप लॉ पढ़ोगे तो सबसे पहले आपने देखा होगा लॉ ऐसे लिखा होता है, कोई भी सेक्शन आपको दे दिया जाता है 2-1A। अब इसका क्या करेंगे सर? इसको समझने का बहुत सिंपल फंडा है, जो सबसे आगे है बच्चों वो सेक्शन है। सेक्शन के बाद एक आता है सब सेक्शन, उसके बाद एक आता है इसे कहते हैं क्लॉज, उसके बाद मान लीजिए लिख दिया 9, ये है सब क्लॉज, सब क्लॉज, क्या कहते हैं इसे? सब क्लॉज। सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, दैट्स इट, बस खत्म कहानी। इसके आगे और कुछ नहीं होता, इतना ही पढ़ाया जाएगा। अच्छा 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 इतना ही है, हाँ जी हाँ इतना ही है। अब उसके बाद आप लोगों को एक हायरार्की लेवल है, वो चलो आगे ही बताऊंगा। सबसे ऊपर हमेशा याद रखना एक्ट होता है, सबसे बड़ा एक्ट होगा जो आप पढ़ेंगे कंपनीज एक्ट 2013। इसके बाद कुछ रूल्स आएंगे, जैसे आप मेरे साथ कंपनीज एक्ट दिस रूल्स, कंपनीज एक्ट दिस रूल्स, वो थोड़े हम लिंक करके ही पढ़ेंगे बीच में। वो राजमा और चावल है ना, मिक्स करके खाने का ही मजा है। कोई सोचो कोई आपको कहे कि यार राजमा अलग खाना है चावल अलग खाना, मजा नहीं है ना। सो उसको मिक्स करके खाने का ही मजा आएगा, तो वही करेंगे यहाँ पे। रूल्स, रूल्स के बाद आती हैं कुछ नोटिफिकेशंस, बस खत्म, इतना ही होता है।
इतने पे ही खत्म हो जाती है कहानी। ठीक है, समझ में आया? ये सब क्लब करके, अच्छा सर अमेंडमेंट अमेंडमेंट कर रहे थे आप, अमेंडमेंट मतलब अमेंडमेंट जितनी भी आएंगी सारी आपके पेपर के अंदर इंक्लूड होंगी, ये मैं आपको एश्योर करता हूँ, टेंशन मत लेना इसकी। ठीक है, चलो अब आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। सिलेबस आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा, ठीक है, इसको चेक करिएगा, क्योंकि बीइंग अ गुड बैट्समैन, अगर आपको एक बहुत अच्छा प्लेयर बनना है तो आपको सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। अगर पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है तो कैसे जाओगे, है ना? कैसे पता चलेगा कि क्या करना है, कैसे जाना है, कहाँ जाना है, कुछ नहीं पता चलेगा बच्चों। तो ये सब पता लगाना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब बाय, टेक केयर। अरे अरे सर, जाने से पहले अपना नाम तो बताते जाओ। मेरा नाम अगली क्लास में बात करेंगे, सस्पेंस। चलो बाय, टेक केयर एंड सी यू इन नेक्स्ट क्लास, जहाँ पे आप मेरे साथ बाकी की चीज़ें पढ़ेंगे और जहाँ पे हम चैप्टर नंबर 1 को शुरू करेंगे। बाय।